रूथ है, इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट में एज एसोसिएट मैनेजर मैं काम करती हूँ। आज की बात में मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ सेहत के बारे में। उसमें जो ज़रूरी है वो हमारी हैंड हाइजीन है। हैंड हाइजीन में दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, हैंड वॉशिंग एंड हैंड रब। हैंड वॉशिंग जो है वो सिर्फ हॉस्पिटल में काम करने वाले लोगों के लिए ही सिर्फ ज़रूरी नहीं है, बल्कि वो हम सब लोग जो पब्लिक एरियाज़ में हैं, हमारे लिए, घर में जो हम रहते हैं, बच्चों के लिए, हम सब के लिए हैंड वॉशिंग जो है इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। शिफा हॉस्पिटल में बीइंग ए इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट इंचार्ज, मैं अपने स्टाफ को टीच करती हूँ और उनको फोर्स करती हूँ कि वो अपने हाथ जो हैं वो धो के मरीज़ के पास जाएँ, ताकि हम अपने हॉस्पिटल का इन्फेक्शन रेट जो है उसको हम कम कर सकें और मरीज़ों को हम अस्पताल में आने के बाद कोई बीमारी उनको हम ना दें। हमारे हैंड हाइजीन में दो चीज़ें हैं, एक हैंड वॉश है और एक हैंड रब है। हैंड वॉश और हैंड रब के स्टेप्स जो हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं, टाइम थोड़ा सा दोनों का डिफरेंट है। हैंड वॉश का टाइम 15 से 20 सेकेंड्स आप हाथ धोएंगे तो आपके हाथ जो हैं वो सेफ हैं टू गो टू द पेशेंट, और हैंड डिसइंफेक्टेंट या हैंड रब जो आप इस्तेमाल करते हैं उसमें आपका टाइम लिमिट है 10 से 15 सेकेंड्स, या जब तक आपके हाथ ड्राई नहीं हो जाते। जब आपके हाथ ड्राई हो जाते हैं तो उसका मतलब है कि योर हैंड्स आर सेफ नाउ एंड यू कैन सेव अदर्स लाइफ टू। ड्यूरिंग हैंड वॉशिंग मेक श्योर कि आपका जो टाइम लिमिट है वो कम्प्लीट हो, 15 to 20 सेकेंड्स जो हैं आपका टाइम लिमिट है वो कम्प्लीट टाइम आप लें हाथ धोने के लिए, और आपकी रबिंग प्रॉपर हो, तमाम सर्फिसेज हाथों की आप कवर करें, क्योंकि कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जब हम अपने पूरे स्टेप्स नहीं लेते तो वो एरियाज़ रह जाते हैं और वही एरियाज़ होते हैं जो जरासीम को फैलाने का सबब होते हैं। और जब आप नलका बंद करें तो ज़रूरी है कि आप उस टिश्यू से आप नलके को बंद करें जिससे आपने अपने हाथ ड्राई किए थे, और फिर उसको जर्नल वेस्ट में डालें। कभी भी ज़मीन पे कोई भी चीज़ फेंकने की कोशिश ना करें और अपने हाथों को साफ रखें ताकि वो महफूज रहें दूसरे मरीज़ों को केयर देने के लिए। जब भी मरीज़ के पास जाते हैं उसके लिए हमारा हैंड रब करना ज़रूरी है। हैंड रब जो है वो अल्कोहल बेस्ड हैंड डिसइंफेक्टेंट है। उस वो दवाई जब हम अपने हाथों में इस्तेमाल करते हैं तो हमारे हाथों के जरासीम को वो ख़त्म करती है और मरीज़ के पास जाने से उसका इन्फेक्शन रेट जो है वो कम हो जाता है। इस तरह से मरीज़ जो है वो ज़्यादा देर अस्पताल में नहीं रहता और जल्दी अपनी बीमारी से शिफायाब होकर अपने घर वापस चला जाता है। 40% इन्फेक्शन जो है वो हम अपनी हैंड हाइजीन के इम्प्रूव करने से रिड्यूस कर सकते हैं और उससे हम इन्फेक्शन को कम करते हैं। कंक्लूजन ये है कि अगर आप हाथ धोते हैं और सारी प्रैक्टिसेस को आप फॉलो करते हैं तो आप खुद भी सेहतमंद रहेंगे, आप अपनी कम्युनिटी को भी सेहतमंद रखेंगे और आपके हॉस्पिटल में जो आपके हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो भी हेल्दी रहेंगे। इस तरह से अपने हाथ धोने से आप जरासीम को एक से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र नहीं करते और आप बहुत सी जानों को बचा सकते हैं। Thank you.